बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा है कि जिस तरह से एनडीए की सरकार में गांव-गांव तक सड़क पहुंच गई है, ठीक उसी तरह से बिहार के हर खेत को सिंचाई का पानी मिले, यह सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने आज रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में 9.25 करोड़ की लागत से बने सिंचाई विभाग के संयुक्त भवन का उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने बताया कि आने वाले समय में सिंचाई विभाग का प्रारूप और व्यापक होने जा रहा है, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अगली बार अगर मौका मिला तो हर खेत को पानी देने की योजना पर काम होगा। उन्होंने यह भी बताया कि पूरे प्रदेश में सिंचाई के लिए अलग से फीडर की व्यवस्था की गई है। पूरे बिहार में 53 लाख हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाना उनका लक्ष्य है, जिस पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसी के लिए विभाग बना, खास करके इस एरिया ये इंश्योर करना। हमें विभाग के इंजीनियर लोगों को भी कहूंगा, इस साल भी हम लोग मॉनिटर कर रहे थे कि वह सोन में पानी स्वस्थ समय रहे और किसानों को पानी मिले कहीं पर खेती के लिए। ये हमारी प्राथमिक प्रमुख जिम्मेवारी है विभाग को, इंश्योर करना कि उनको पानी वहां पर मिले। कल अगर आप लोगों ने आज का अखबार देखा होगा, कल जो मुख्यमंत्री गांधी मैदान से बोले, उन्होंने एक ही चीज की घोषणा की है, अगर आगे काम करने का मौका मिलेगा तो हर एक खेत को सिंचाई करेंगे। नीतीश जी अगर ये बात बोल रहे हैं, डिपार्टमेंट का स्केल समझ सकते हैं आगे काम का कितना बड़ा आने वाला। अभी बिहार में 53 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई करना, यही ना है, 20 लाख के आसपास हम लोग कर रहे हैं और 23 लाख में हम लोगों को सिंचाई पहुंचाना और उसमें लैंड एक्विजिशन एक बड़ा इशू रहता है। नया टेक्नोलॉजी को यूज कर, आप लोग भी जानते हैं कि अगर खेत तक हम पानी पहुंचाएं, अगर एनडीए सरकार ने रोड पहुंचाएं, बिजली पहुंचाएं, खेत में एग्रीकल्चर के लिए अलग फीडर दे रहा और सिंचाई पहुंचा दी, पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। चंद्र प्रसाद यादव, रामचंद्र कॉलेज कोठा। 2020 का होली पर्व की सभी देशवासियों को, राज्यवासियों को, जिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मिलजुल करके इस पर्व का आनंद लें। होली पवित्रता प्रेम का प्रतीक है, इसे प्रेम पूर्वक निभाएं। हिंसा बिना हीन भावना से हिंसा को त्याग करके इस पर्व को हम सभी प्रेम पूर्वक मनाएं और होली का आनंद लें।